हेलो स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स एनएस बोर्ड में एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो अक्टूबर में अभी दे रहे हैं, तो जिन्होंने अभी तक अपनी एग्जाम की प्रेपरेशन स्टार्ट नहीं की है, उनके लिए एक ऐसा टिप्स है कि वो पास से भी अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जो एनएस बोर्ड के एग्जाम है आप बिना पढ़े तो नहीं दे सकते, उसमें तो आप फेलियर हो जाओगे। ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा ही, पर पढ़ना कैसे है, या तो फिर आप सिलेबस को डाउनलोड कर लो, आपके पास बुक्स भी एनओएस ने सेंड की थी और आपने शायद हेल्पिंग बुक्स भी ली होंगी, जहां कहीं से ट्यूशन ले रहे हैं तो आप उसको स्टडी करोगे। अदरवाइज यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, आपने पास होना है, तो आपके लिए एक ऐसा टिप्स है कि आप उसमें से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। वो क्या है कि यदि एनओएस के जो पिछले एग्जाम आप उठा के देखो कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, यदि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो आप इसके जो पिछले एग्जाम के क्वेश्चन पेपर है उसको उठाओ पिछले 3 या 4 साल से। ठीक है, 3 या 4 साल में आपके जैसे अक्टूबर में एग्जाम होते हैं, अप्रैल में एग्जाम होते हैं, तो आप देख सकते हो कि वहां पे आपके पास तकरीबन 3 या 4 साल में आपके पास 7 या 8 क्वेश्चन पेपर आ जाएंगे। उसको आपने क्वेश्चन को ढूंढना है अपनी बुक में उसका आंसर, तो वो एक कॉपी पे राइट डाउन कर लेना है या ऐसे ही आप जैसे भी लिखना चाहते हो। ठीक है, तो उसके आंसर जो है आपने याद करने हैं। ठीक है, तो यदि वो आप वो वाले क्वेश्चन याद कर लोगे जो आपके पिछले क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो अप्रैल में आए हैं चाहे अक्टूबर में आए हैं, ठीक है, जैसे अभी जो एग्जाम चल रहे हैं उसके जैसे 23 में आए हैं, 22 में आए हैं, 21 में आए हैं, ठीक है, 20 में आए हैं, ठीक है, वो जो क्वेश्चन पेपर है वो आपने डाउनलोड करने हैं। तो वो कैसे डाउनलोड करने हैं हम ये भी सीखेंगे। सबसे पहले आपने क्वेश्चन डाउनलोड करने के लिए एनएस की जो स्टूडेंट पोर्टल की वेबसाइट है sdmis.nas.ac.in पे जाना है। वहां पे जाने के बाद आपने एग्जामिनेशन एंड रिजल्ट पे जाके क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख रहे हो जहां पे 3 टैग दिए हुए हैं, सबसे नीचे दिया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जहां पे जाके आप क्लिक करोगे तो ये आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे ले जाएगा और एक नया टैब खुल जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हो जहां पे क्वेश्चन पेपर फॉर द प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ये देखो सीनियर सेकेंडरी क्वेश्चन पेपर अप्रैल एग्जाम ये देख रहे हो जहां पे लिंक दिया हुआ है, उसके नीचे ये 10th के लिए सेकेंडरी क्वेश्चन पेपर अप्रैल 2023 एग्जाम ये दिया हुआ है। ठीक है, ये 22 के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर है, ऐसे ही ये नीचे आप देख रहे हो 21 के हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो 20 में पेपर हुए नहीं थे। ठीक है ना, तो आप पिछले 3 या 4 साल के क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हो। तो हम देखेंगे कि अब आपने डाउनलोड करना कैसे है। आपने लास्ट लिंक पे क्लिक किया और आप नेक्स्ट इंटरफेस पे पहुंच गए हो। ठीक है, जहां पे आपने क्या करना है, जहां पे जाके क्लिक करना है, तो आप देख रहे हो कि हमारी जो सीनियर सेकेंडरी क्वेश्चन पेपर अप्रैल 2023 एग्जाम की जो फाइल है वो नीचे डाउनलोड हो रही है। ठीक है, जो डाउनलोड हो जाएगी तो हम उसको ओपन कर लेंगे, उसमें सारे क्वेश्चन पेपर होंगे, मींस कि चाहे आपने वो सब्जेक्ट रखे हैं चाहे वो सब्जेक्ट नहीं रखे, तो आप सारे क्वेश्चन पेपर में से जो आपने सब्जेक्ट रखे हुए हैं वो क्वेश्चन पेपर को सॉर्ट आउट करना है, उसके प्रिंट निकालना है। ठीक है, यदि प्रिंट नहीं निकाल सकते तो उस क्वेश्चन को अपने मोबाइल में ओपन कर लो या कहीं पे भी ओपन कर लो, तो क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है अपनी बुक्स से, उसका आंसर ढूंढना है और उसको आपने याद करना है। ठीक है, ये फाइल डाउनलोड हो गई है, तो हम इस पे जाके क्लिक करते हैं, तो आप देखोगे ये ओपन होने जा रही है। ठीक है, ये फाइल ओपन हो गई है। ठीक है, ये रार फाइल है, तो यहाँ पे आपने डबल क्लिक किया, ये देखिए कि आपके सामने ये सारे जो 301 कोड है, 302 कोड है, ऐसे जो सारे कोड है उसके क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं। ठीक है, अलग अलग पेपर दिए हुए हैं। ठीक है, एबीसी टाइप हो सकती है। ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग ये देखो कितने क्वेश्चन पेपर हैं, ये आपने जो भी आपने सब्जेक्ट रखा हुआ है उसका क्वेश्चन पेपर आपने ओपन करना है, उसको पढ़ना है या उसका प्रिंट निकालना है, ये आपकी मर्जी है। तो उसका आपने क्वेश्चन का आंसर अपनी बुक में से ढूंढना है या हेल्पिंग बुक में से ढूंढना है, तो उसको याद कर लेना है। ठीक है, ऐसे आपके पास एक कलेक्शन हो जाएगी इकट्ठी, ये आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, नियर अबाउट 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो वो क्वेश्चन आपने याद कर लिए तो उसमें से भी जो पेपर है वो आ जाएगा।
ठीक है, तो आप ये जो क्वेश्चन है याद करने के बाद आप पासिंग से भी ज्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमने ये 12th क्लास जिनकी सीनियर सेकेंडरी कोर्स के लिए फाइल को ओपन किया, ऐसे ही आप यहाँ पे क्लिक करके सेकेंडरी कोर्स के जो है क्वेश्चन पेपर है उस फाइल को भी ओपन कर सकते हैं। एक मैं आपको और फंडा बता दूं कि एक तो ये बात होती है कि आपने क्वेश्चन पेपर को जहाँ पे NOS की वेबसाइट पे जाके ठीक है डाउनलोड कर लिया, उसमें से जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आपने याद कर लिए, एक तो ऐसे आप पास हो चुके। सेकेंड मेथड, एक और मेथड है, वो हमने एक वीडियो भी बनाई थी उसमें हमने बताया था 80-20 रूल्स। ठीक है, 80-20 रूल्स होता क्या है कि उसमें आपने 20% सिलेबस जो है रीड आउट करना है। 20% सिलेबस कैसे रीड आउट करना है, आपने एक लिस्ट तैयार करनी है जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने उस क्वेश्चन की लिस्ट तैयार करनी है जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वो आप लिस्ट कैसे तैयार करोगे, चाहे वो आप YouTube पे जाके फाइंड आउट करो क्वेश्चन, चाहे वो आप AI वेबसाइट की मदद से क्वेश्चन फाइंड आउट करो, चाहे आप लास्ट एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं उस क्वेश्चन की लिस्ट फाइंड आउट करो, चाहे किसी अपने बड़े भाई बहन की हेल्प लेके क्वेश्चन जो है फाइंड आउट करो, चाहे कहीं पे ट्यूशन आप स्टडी कर रहे हो या ट्यूशन ले रहे हो वहां पे जाके आप क्वेश्चन की लिस्ट प्रिपेयर करो। तो ऐसे आप एक लिस्ट प्रिपेयर कर लोगे जिसमें क्या होगा, कुछ क्वेश्चन होंगे वो इंपॉर्टेंट होंगे जो एग्जाम में आएंगे। तो होता क्या है कि 80-20 रूल्स में क्या होता है कि आपने 20% सिलेबस जो है करना है, सिर्फ कितना सिलेबस करना है, 20% सिलेबस करना है, तो आपके 80% मार्क्स गेन होने चाहिए। ये एक रूल बड़ा अच्छा रूल है, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, इसको फॉलो करोगे तो भी आपके जो अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, पासिंग से भी ज्यादा आ सकते हैं और 80% तक इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे आप जो है अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करें और अपने जो आसपास के जो भी साथी हैं जो NOS के एग्जाम दे रहे हैं जहां वो देना चाहते हैं उसके साथ शेयर करें, ताकि उनको भी ये मेथड ठीक है ना पता चल सके, वो भी ये मेथड को जानने के बाद अपनी तैयारी कर सकें और अच्छे मार्क्स गेन कर सकें।